हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विकास 31 टेक। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको इंस्टाग्राम के लिए एक ऐसी रील या वीडियो को बनाना सिखाऊंगा जो इंस्टाग्राम पर आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रही है, जिसका नाम आपने भी सुना ही होगा, GTA सैन एंड्रियास रील, जो आजकल काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रही है इंस्टाग्राम पर। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर साइड में आपको दिखाई दे रही होगी ये वीडियो। मैंने आपके लिए एक डमी ये बना के तैयार की है, तो ये आपको सिखाने के लिए है। तो इस वीडियो में मैं आपको ये पूरा अच्छी तरीके से सिखाऊंगा कि आप इसको कैसे बना सकते हैं, इसमें आपको किन किन एप्लीकेशंस की ज़रूरत होती है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें, ताकि आपको मेरी आने वाली नई नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। इसमें आपको सबसे पहले एक 5 सेकंड का वीडियो बना लेना है, जिस पे भी आप वो इफ़ेक्ट लगाना चाहते हैं। ठीक है, तो मैंने वो वीडियो बना रखा है आपको सिखाने के लिए डमी। ठीक है, तो वो सबसे पहले आपको बना के ओपन कर लेना है, तो मैं उसे जल्दी से ओपन कर लेता हूँ। तो मैंने इसे यहाँ पर ये ओपन कर लिया है। इसमें आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको इसे स्टॉप कर लेना है, और इसे आपको अपने उस पोज तक लेके आना है जो आपका मेन पोज है लास्ट में। उस पोज पे लाके आपको इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना है। मैं जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद इसमें आपको बैक आ जाना है यहाँ पे। अब हमें जाना है गूगल क्रोम के अंदर, तो हम यहाँ से गूगल क्रोम के ओपन कर लेते हैं। इसमें गूगल में जाके ये रहा गूगल क्रोम, इसको ओपन कर लेते हैं। और यहाँ पे हमें टाइप करना है, सबसे पहले एक नई विंडो ले लेंगे प्लस पे क्लिक करके। यहाँ पे हमें google.com पे जाना है। ठीक है, यहाँ पे हमें सर्च करना है remove.bg, इसको एंटर कर देना है। remove.bg मतलब हमें उस अपनी जो हमने अभी स्क्रीनशॉट लिया है उसका बैकग्राउंड रिमूव करना है। ये हमारे सामने सबसे पहले नंबर पे आ जाएगी, इसके ऊपर क्लिक करना है। तो आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे कुछ ऐसा आ जाएगा, यहाँ से अपलोड इमेज का ऑप्शन आएगा। तो मैं उस स्क्रीनशॉट को यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ जल्दी से। तो हम इसे जैसे ही अपलोड कर देते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑटोमेटिक इसने बैकग्राउंड रिमूव कर दिया है। तो यहाँ से ये डाउनलोड का ऑप्शन है, इसको हम डाउनलोड कर लेंगे अपने फ़ोन के अंदर। ये डाउनलोड हो चुकी है, उसके बाद हमें बैक आ जाना है। अब हमें दो एप्लीकेशंस की ज़रूरत है, काइन मास्टर और पिक्स आर्ट। तो हम प्ले स्टोर के अंदर जाएंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे पिक्स आर्ट, सर्च करेंगे और उसके बाद हम इसे डाउनलोड कर लेंगे। मैंने ये डाउनलोड कर रखी है अपने फ़ोन के अंदर, तो आप भी फ़ोन के अंदर डाउनलोड कर लेना और इसे यहाँ से ओपन कर लेंगे। इसमें मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, इसमें सबसे पहले आपको कुछ और पिक्चर्स भी गूगल से डाउनलोड करनी पड़ेंगी। अभी यहाँ से बैक आ जाएंगे, दोबारा गूगल क्रोम पे चलेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से गूगल क्रोम में जाएंगे, गूगल क्रोम, यहाँ से नया टैब लेंगे, इस वन पे क्लिक करके प्लस करेंगे, यहाँ से google.com पे जाएंगे, यहाँ से हमें GTA यहाँ पे टाइप करेंगे, GTA सैन एंड्रियास लोगो PNG। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारे लोगो हैं, आप इनमें से कोई भी एक डाउनलोड कर लेना। मैंने ये डाउनलोड कर रखा है कि यहाँ से इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। इसी तरीके से आप यहाँ पे लोगो की जगह बैकग्राउंड लिख देंगे, GTA सैन एंड्रियास बैकग्राउंड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारे बैकग्राउंड आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है, जैसे ग्रूव स्ट्रीट का है, यहाँ से आपके काफ़ी सारे बैकग्राउंड आ जाएंगे। यहाँ से कोई एक बैकग्राउंड आपको डाउनलोड कर लेना है, मैंने डाउनलोड किया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, तो अब बैक चलते हैं वापस, उसके बाद हम यहाँ से अपनी उस एप्लीकेशन के अंदर चलते हैं पिक्स आर्ट, इसको ओपन कर लेंगे, इसे स्कीप कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पे ये प्लस का आइकन है, इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से एडिट फोटो में जाना है और हमें अपना वो बैकग्राउंड वाला जो GTA सैन एंड्रियास की बैकग्राउंड इमेज है उसको यहाँ पे सबसे पहले इंसर्ट कर लेना है। तो मैं जल्दी से इंसर्ट कर लेता हूँ। तो
तो ये मैंने इंसर्ट कर ली है। इसमें सबसे पहले आपको टूल्स के ऊपर जाना है और इसमें आपको क्रॉप पे क्लिक करना है। क्रॉप में आपको ये इंस्टाग्राम रील्स के लिए बनानी है, तो वो हमें यहाँ से नीचे से स्क्रॉल करना है और इसको ये स्टोरी वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देना है। ये इंस्टाग्राम रील वाला साइज़ होता है, तो इसको यहाँ से पकड़ के हमें इधर उधर करके देख लेना है, जहाँ आपको अच्छा लगे वहाँ पे इसको सेट कर देना है और फिर यहाँ से चेक पे डन कर देना है। उसके बाद हमें यहाँ पे इमेज ऐड करनी है जिसका हमने स्क्रीनशॉट जो लिया था और उसका बैकग्राउंड हटाया था, तो यहाँ पे ऐड फोटो पे क्लिक करके हमें वो फ़ोटो यहाँ पे इंसर्ट कर देनी है। मैं जल्दी से उसे इंसर्ट कर देता हूँ। ये मैंने उस फोटो को यहाँ पे इंसर्ट कर दिया है और इसे यहाँ से पकड़ के हमें जूम कर देना है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। उसके बाद बाहर क्लिक कर लेना है। ये आप देख सकते हैं ये पिक्चर है, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेंगे, सेट कर लेना है हमें अपने अकॉर्डिंग, आप ठीक लग रही है। उसके बाद हमें इसे डन कर देना है और इसके बाद हमें यहाँ पे स्क्रॉल करना है नीचे और यहाँ इफ़ेक्ट्स वाले सेक्शन में आना है और यहाँ पे हमें मैजिक वाले ऑप्शन में आ जाना है और उसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल करना है और यहाँ से हमें सोल वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ये कुछ ऐसा आएगा, इसके ऊपर एक बार और क्लिक करना है। यहाँ से इसे ये हम 50% रख लेते हैं। इसके बाद इसे यहाँ से डन कर देना है। अब हमें यहाँ पे GTA San Andreas का लोगो इंसर्ट करना है, तो हम कैसे करेंगे, स्क्रॉल करेंगे ऐड फोटो पे जाके। इसे यहाँ से जल्दी से इंसर्ट कर देता हूँ मैं, तो मैंने यहाँ पे वो लोगो इंसर्ट कर दिया है। आप देख सकते हैं, आप इसे जहाँ मर्जी सेट कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे इसे सेट किया है। उसके बाद हम इसे सेव करने के लिए नीचे स्क्रॉल करेंगे और इस ड्रॉ वाले सेक्शन पे जाएंगे, यहाँ से ड्रॉ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे 3 डॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से सेव इमेज पे क्लिक करना है। यहाँ से सेव करने पे आपकी जो इमेज की क्वालिटी है वो कम नहीं होती। ठीक है, यहाँ से सेव हो गई अब ये हमारी गैलरी में। अब बैक आ जाएंगे। अब हमें दूसरी एप्लीकेशन के अंदर जाना है, काइन मास्टर, तो वो हम यहाँ से ओपन कर लेंगे काइन मास्टर। इस तरीके से ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पे ये प्लस का आइकन आपको दिखाई देगा, इस प्लस पे क्लिक करना है। हमें इंस्टाग्राम रील वाला साइज रखना है, वो 9x16 होता है, इस पर क्लिक करके। अब हमें यहाँ पे सबसे पहले वो वीडियो इंसर्ट करनी है जो हमने बनाई थी, तो मैं मीडिया पे क्लिक करके उस वीडियो को जल्दी से इंसर्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार आ गई। और अब हम उस इमेज को भी यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं मीडिया में जाके। इसके बाद हम सीधा मीडिया में जाएंगे और जो हमने अभी पिक बनाई है पिक्सआर्ट से, उसको भी हम यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। मैं जल्दी से कर देता हूँ, ये 2 बार हो गई है, तो एक को डिलीट कर देंगे। ठीक है, सिलेक्ट करके ये हमने दोनों यहाँ पर इंसर्ट कर दी हैं। इसके बाद हम यहाँ से स्क्रोल करके आगे ले आएंगे। अब यहाँ पे हम मैं सबसे पहले आपको एक चीज़ बता दूँ कि हमने 5 सेकंड की वीडियो बनानी है, तो हमें बाकी चीज़ें इसमें से क्रॉप करनी पड़ेंगी। 5 सेकंड में से 3 सेकंड आपको ये मेन वाली रखनी है और 2 सेकंड वो रखनी है जिसमें हमने इफ़ेक्ट लगाया हुआ है पिक्चर में। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको ऑडियो यहाँ पर लगा देता हूँ। पहले ऑडियो पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको GTA San Andreas का रिंगटोन जो है वो अपनी फ़ोन में इंसर्ट कर लेनी है। इसे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ से GTA मैंने कर रखी है, तो इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ प्लस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से उसे इंसर्ट कर देंगे, डन पे क्लिक कर देंगे। वो इसके अंदर आ चुकी है, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम क्रॉप कर लेते हैं, इसको सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद जहाँ से हमें क्रॉप करना है वहाँ पे इसे लेके जाएंगे। इसको स्क्रॉल कर लेंगे थोड़ा सा, यहाँ पर ले आते हैं और उसके बाद इस कैंची वाले सेक्शन पे जाते हैं और यहाँ से इसे ट्रिम टू लेफ्ट कर देते हैं, ये सारी ट्रिम हो गई है। उसके बाद हम अभी हमारे पास यहाँ पे 12 सेकंड हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, जहाँ हमने पोज बनाया है उस पोज पे ले जाके हमें ट्रिम कर देना है, उससे आगे वाला सेक्शन यहाँ पे ले आए। उसके बाद ट्रिम टू राइट कर देंगे, तो ये ट्रिम हो गया। उसके बाद हमें ये 5 सेकंड तक रखना है, तो आगे स्क्रॉल करेंगे बाहर क्लिक करके, आगे स्क्रॉल करते हैं 5 सेकंड तक, ये हो गया हमारा 5 सेकंड ऑलमोस्ट, थोड़ा सा और पीछे कर लेते हैं, ये हो गया। उसके बाद इसे भी सिलेक्ट कर लेंगे
और इसको भी ट्रिम कर देंगे राइट पोर्शन को, ट्रिम टू राइट, ठीक है। नीचे सॉन्ग पे क्लिक करेंगे और इसको भी यहीं तक ले आएंगे स्क्रॉल करके, जहाँ तक हमारा सॉन्ग है, ये जहाँ तक हमारी पिक्चर है वीडियो वाली, इस तक ले आएंगे हम इसे, ठीक है। इस तरीके से इसे एक बार मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप इसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। 9.83 बिट रेट मैंने इसलिए रखा हुआ है, इससे क्वालिटी अच्छी आती है। एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे और ये आपके फ़ोन के अंदर सेव हो जाएगी। तो इस तरीके से आप GTA San Andreas वाली रील बना सकते हैं इंस्टाग्राम के लिए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी और आपने ये अच्छे से सीख लिया होगा कि आप GTA San Andreas वाली रील कैसे बना सकते हैं अपने इंस्टाग्राम के लिए। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे एक लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।